दोस्तों घर पे तो कोई भी नहीं है, लेकिन दादी आ रही है उधर से, तो दादी को सरप्राइज दे दे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? खूब सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नित्तू नेगी ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से, तो अभी दिन का टाइम है और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गोपेश्वर से। तो ये रही खुशी, और मैं और खुशी आज घर से आ रहे हैं, यानी कि मेरे मायके से। तो आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ और अभी टाइम था, तो कृष्णा ने खाना बना रखा है और कृष्णा लोगों ने रूम भी चेंज कर दिया। तो ये है उनका रूम और अभी इसने खाना बना रखा था, तो अभी हम खाना खाए हैं, खाना खाने आ रखे हैं। और खाना खा के आप थोड़ी देर में जाएंगे ससुराल को, तो चलो इनसे भी मिलाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये रही हमारी बच्चा पार्टी, कॉलेज वाली पार्टी, और ये है मोनी। तो मोनी आजकल यहीं है, मतलब मैंने आपको बताया था कि जिस दिन से मैं मायके गई थी तो मोनी यहीं थी। मोनी हाय तो कर दे, हाय करना। तो ये है मोनी और ये है कृष्णा और ये है खुशी। खुशी और मैं तो आज ही आ रहे हैं, और बाकी अभी यहाँ पे खाना बना है, दाल चावल और रायता, और एक और है ये देखो। तो ये भी है, हाय हाय संजना। तो हमारा खाना भी बन गया है और अब खाने की तैयारी करते हैं। तो रखो खाना, दीदी को जल्दी दो। तो दोस्तों चलो, हमारी भी तैयारी हो गई है जाने की, और 3:30 हो गए हैं, और बाकी ये सभी लोग आ रहे हैं। तो ये मार्केट तक आएंगे, इनका कुछ काम है, कोई कोचिंग जाएगा, कोई कुछ और कोई कहीं, और मैं और खुशी वहाँ से चले जाएंगे अपने ससुराल, है ना खुशी? चल आ जा। तो घर पे तो कोई भी नहीं है, लेकिन दादी आ रही है उधर से, तो दादी को सरप्राइज दे दे। दादी को पता भी नहीं था कि आज हम आ रहे हैं, दादी को सरप्राइज देते हैं। अभी यहाँ पूरा पर्दा लगा है, तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। दादी दादी प्रणाम प्रणाम बोली प्रणाम ठीक जा। और कौन साहब? ठीक जा। सरप्राइज मिली तुम्हें? तो सरप्राइज मिली, सरप्राइज तुम्हें तो पता छे ना होना? मैं पता ही नहीं छे। देखो दादी को सरप्राइज दे दिया। दादी तुम उधर यो दूसरो सरप्राइज भी छे, पता क्या छे? यो मेहमान यो अभी लू क्यों तो दोस्तों फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और दादी को सरप्राइज भी दे दिया। और इतनी गर्मी होगी ना, पसीने से हालत खराब होगी। और अब चलते हैं ऊपर, अभी सारा सामान ये भी फेंक रखा है, ये देखो, तो इसको अंदर रखते हैं। और अभी खुशी नहीं मिली है दादी को, क्योंकि दादी अभी उधर पीछे आ रही है और खुशी यहाँ बैठ रखी थी। तो दूसरा सरप्राइज भी देंगे दादी को, है ना? आ जा दादी। ये है दूसरा सरप्राइज, ये देखो। तो चल खुशी, तो ये बैग रख के आते हैं, हैं? ला ना, ला उसको भी ला। आ जा। और दोस्तों ये देखो यहाँ का मौसम, यहाँ डेली कोहरा ही रहता है,
आजा, ये देखो हमारा मेहमान, आ जाओ मेहमान। तो यहाँ खोलते हैं अब। तो दोस्तों अभी शाम के 7 बज रहे हैं, 7:15 हो गए हैं और अंधेरा हो ही गया, मतलब होने वाला है। और ये देखो आज मेरे साथ खुशी आई है, तो मैंने सब्जी बना दी है और खुशी आटा गूंथ रही है। ये देखो इसीलिए मैंने खुशी यहाँ ला दी। दोस्तों मजाक कर रही हूँ, इसने बोला मैं गूंथ देती हूँ आटा, तो मैंने कहा तो गूंथ ले। तो ये आटा गूंथ रही है और मैंने अंदर सब्जी रखी है। और बाकी थोड़ी देर बैठते हैं और फिर, अभी मेरी सास जी नहीं आई है, मतलब अभी अंधेरा हो रहा है, तो घास से आके गौशाला गए होंगे अभी, और फिर थोड़ी देर में आते होंगे, और तब तक हम बैठते हैं और फिर चाय बनाएंगे। ये देखो लगे रहो। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है नेक्स्ट डे से। तो अभी शाम का टाइम है और अभी मैं और खुशी बैठे हैं, और ये रही खुशी, ये देखो बुखार। तो दोस्तों आज खुशी की थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई है, मतलब उसको जुकाम सा हो गया है, जुकाम बुखार सा। बुखार तो अभी नहीं है लेकिन जुकाम हो गया उसको, क्योंकि कल हमने आते टाइम जूस आइसक्रीम वगैरह खाई थी, तो उससे इसकी थोड़ा हालत ख़राब हो गई है। तो बुखार सा बोलती है कि मुझे बुखार से आ रहे हैं। तो अभी तक मैंने खुशी को दवाई दी थी, तो अभी तक तो लेटी थी, पर अभी शाम का टाइम है और अभी हम बाहर में बैठे हैं, तो मौसम बहुत ही प्यारा होता है। एक बार मैं मौसम दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा आज का खूबसूरत सा मौसम। और ये देखो एक दिन पहले मैंने आपको मनी प्लांट दिखाया था, और ये देखो कितना बड़ा हो गया है और नीचे भी झुक गया है। तो अभी मैं इसको ठीक करती हूँ, लेकिन ग्रोथ अच्छी हो रही है इसकी। ये देखो अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ घास के लिए। वैसे तो मैं और खुशी बैठे थे, लेकिन ऊपर से बारिश आ रही है, मतलब हल्की हल्की बारिश आ रही है ऊपर से, तो जल्दी से निकालती हूँ। और अभी यहीं पे आ गई हूँ मैं बगीचे में, तो यहीं पे मुझे घास निकालना है, और जिससे पहले की बारिश आए जल्दी से घास निकालती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। और खुशी तो ऊपर ही छत में बोल रही थी मैं भी आती हूँ कहते, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मना कर दिया मैंने। तो मैं झट से घास निकालती हूँ और फिर झट से मिलती हूँ आपको। तो फाइनली बारिश आने से पहले मैंने घास निकाल दिया, और ये रही मेरी घास की कंडी। बस अब जाने की तैयारी है, और इतनी गर्मी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और ये देखो मेरी प्यारी सी मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है।